दिले माँ है इश्क की पहली मंजिला दिले माँ है 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 इश्क की पहली मंजिला दिले माँ है दिले माँ नसब ला दा तो तलब ला ले ओ लाब ला इस सोहवा ला हस्त नसब ला दा तो तलब ला ले ओ लाब ला इस सोहवा ला हस्त नसब ला वो रजी की बेटी का नाम है नैना, शायद उसकी शादी के सिलसिले में आ रहे हैं। अरे वो कट्टर सैयद जादे हैं, गैर सैयद में शादी नहीं करेंगे। ला ये कलमा शरीफ का पहला हर्फ है, ये रबी की पहली मंजिल है। वो बात को छोड़, पच्चीस ये है मिसेज रजी, कराची से आई हैं। कैसे हैं आप? ठीक। उठाओ सामान, आराम से लेके आना। जी सर, मेहमान आए हैं घर पे। अच्छा, हमें बेचकर फिर लाइन सेट करेगा? चैलेंज कर रहे हो तुम लोग मुझे? यस डैनियल मलिक, इट्स अ चैलेंज। ओके देन, चैलेंज एक्सेप्टेड। मलिक डैनियल, हो सकता है कि तुम सिर्फ डैनियल हो, मलिक ना हो। कौन हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। माफ करना यार, आपके और आपके पेरेंट्स इतनी दूर से आए हैं रिश्ता ढूंढने के लिए। क्या कराची में कोई सैयद जादे या ये शौकत अली टाइप्स नहीं होते? वैसे मुझे एरीज अच्छे लगते हैं। ओ, यानी लड़का सैयद जादा भी हो और एरीज भी। साई जी, हम आपसे तावीज लेने आए हैं। कौन सा तावीज? वो ला वाला। इसकी वजह से तुम हसब और नसब के सिस्टम से बाहर निकलो। लेकिन ये मेरा डिसीजन है, तुम्हारा क्या? मुझे भी तुम अच्छी लगती हो। शादी करोगे मुझसे? शादी है इश्क की पहली मंजिल ला दिले माँ है दिले माँ है दिले माँ है दिले माँ है इश्क की पहली मंजिल ला दिले माँ है दिले माँ है दिले माँ है दिले माँ। अस्सलाम वालेकुम जानी, कैसे है यार? अच्छा यार, हम यहाँ थे न्यूज के लिए परेशान बैठे और तो हमें कुछ बता ही नहीं रहा। अरे कुछ ना पूछ यार, रात को उसको मैंने तावीज बना दिया, उस सैयदजादे का रूहानी इलाज कर रहा हूँ मैं। लगता है तू पागल हो गया यार। हाँ, बल्कि कल तो मैंने अपना जन्मदिन भी तब्दील कर लिया, आज से मैं स्कॉर्पियो नहीं एरीज हूँ। क्या मतलब यार? अरे यार, नैना की वजह से मैंने अपना स्टार साइन बदल लिया है। यार, आज तू स्टार बदली, कल तू जेंडर भी बदल देना, वैसे भी मार्केट में डिमांड बहुत है इस चीज के लिए। फट गया क्या? क्या छोड़ यार, वो नहीं आ रहा है, तंग कर रहा। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अच्छा यार, जंग को छोड़, तू ये बता कि तूने उसे एरीज का बता दिया कि तू एरीज है? अरे नहीं यार, ये तो मेरा सीक्रेट है, और प्लीज तू भी अपना मुंह बंद रखी। ओके, अच्छा चल अब फुट, किसी अच्छी खबर का इंतजार कर। शर्त लगा लो, शर्त से ज्यादा और कोई बहस नहीं करनी। अच्छा, आने वाला था तुम्हारी, ऐसे आएगा भी नहीं। मैं नहीं खेल रहा यार। छोड़ यार, क्या हो गया यार, क्या हो गया? हेलो, एरीज जिद्दी होते हैं। ठीक है जी, आपके लिए आज का दिन खुशगवार साबित हो सकता है। अगर आपका कोई दोस्त बाहर जाने को कहे तो जरूर जाए, हो सकता है आपकी बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो जाएं और आप किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं। और अपनी जिंदगी का कोई अहम फैसला कर लें। ले लीजिए। थैंक यू। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटे आओ। मम्मी मुझे भी चाय दे दें। अच्छा, कैसी रही शौकत से मीटिंग? शौकत से बोरिंग। पता है आपको, रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर भाग गया। अकेला छोड़कर भाग? बिल्कुल अकेला डैडी। तो फिर तुम किसके साथ आई? तुम काफी देर में आई हो।
मैं तो इतनी परेशान हो गई थी, अकेली मुझे लाहौर के रास्ते भी नहीं आते। फिर मुझे दानियाल मिल गया और फिर मैं उसके साथ कवाली पर गई। ये देख कितना अच्छा तावीज मिला। बिल्कुल अच्छा नहीं, पता नहीं क्या लिखा हुआ, उतारो इसे। इतना अच्छा तो है मम्मी। चाय दो बेचारी को, नाश्ते का वक्त है, तुम किस चक्कर में पड़ गई हो? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। क्या हालत बना रखी तुम? क्यों, ठीक तो? क्या हुआ मुझे? कॉलर क्यों खड़े किए हुए लोफर्स की तरह? नीचे करो। क्या हो गया अगर मैंने कॉलर खड़ा कर लिया? बस सुबह सुबह आपने मुझ पर क्रिटिसाइज करना होता बस। ऐसा क्या कह दिया आपके डैडी ने आपको? भाई यही कहा है ना कि कॉलर नीचे कर लो। भाई क्यों करूं नीचे, मेरा स्टाइल है। और वैसे भी मैंने कौन सा ऑफिस जाना है? सुनो सुनाओ, मुझे शॉपिंग पे जाना है तुम्हारे साथ। मेरे साथ? हाँ श्योर, चलो चले। तैयार ना हूँ अभी, तैयार होना बाकी है तो। ओके चलो, तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा काम दिखाया कॉलर ने। नहीं यार अभी तुम लोगों से नहीं मिल सकता मैं, भाई वो कराची वाली के साथ शॉपिंग पे जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मेरी खानदानी जिद का पता है, जब तक वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगी मैं तुम लोगों से नहीं मिल सकता। तो क्या जरूरत है मुझे झूठ बोलने की? अच्छा चलो अब वो आ गई, दफा हो जाओ। हाँ जी, तो अब क्या इरादे हैं? वो आपके शौकत तो भाग गए। भागा नहीं, भगाया मैंने। अच्छा चलो मान लेते। तुम्हारी मंगनी हुई है? मंगनी नहीं। तो ये क्यों पहनी हुई है? अच्छा ये ऐसे ही दराज में आज देखा, अच्छी लग रही थी तो सोचा पहन लो। दिखाओ कौन सा स्टोन है ये? I'm not sure. अकीक है ना? हाँ होगा। तुम्हारा स्टार साइन क्या है? मेरा स्टार साइन एरीज है। एरीज? तुम एरीज हो? हाँ। Oh my God, मैं कहूँ मुझे तुम्हारी आदतें क्यों पसंद है? दानिया, मुझे तुम पसंद हो। वाकई? हाँ। हाँ मैं एरी जरूर हूँ लेकिन सैयद ज्यादा नहीं। ला मुनाफकत ला हस्ब नस्ब सुना है ना तुमने? मुझे तुम पसंद हो बस। बाकी मैं तुम्हें पसंद हूँ। तुम्हें कोई एतराज है? नहीं मुझे तो कोई एतराज नहीं। हाँ अलबत्त कुछ लोगों को एतराज जरूर है। लोगों की ऐसी की तैसी। अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा नहीं कहते। तौबा तौबा तौबा, मेरा ये मतलब नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन ये मेरा जज्बा तुम्हारा क्या? मुझे भी तुम अच्छी लगती हो। शादी करोगे मुझसे? शादी? हाँ। इस बारे में तो सोचना पड़ेगा। क्या सोचोगी तुम? अभी करनी पड़ेगी। चलो घर बात करनी है चल के। आप भी तो कुछ लीजिए ना। अभी लेती हूँ, थैंक यू। नैना बेटे, कल कादिर शाह साहब और उनका बेटा हमें मिलने के लिए आ रहे हैं, तो तुम कल कोई और प्रोग्राम ना रखना। हाँ दोगी डैडी, मैं सारे दिन उनका वेट करती हूँ। आप मुझे नंबर दे दे, मैं बाहर मिल लूंगी। लड़की वाली
लड़के के घर नहीं जाते। अंकल ठीक ही तो कह रहे हैं नैना, उन लोगों को यहीं आने दो ना, यहीं मिलेंगे तुमसे। ना तो मैं वहां जा रही हूँ और ना वो लोग इधर आ रहे हैं। टाइम होगा तो बाहर कहीं मिल लूंगी रेस्टोरेंट में। रजी वैसे नैना ठीक तो कह रही, भैया वो पुराने रस्मों रिवाज कहाँ रहे, वो लोग आएंगे तो हम मिल लेंगे। नैना को लड़का तो देख लेने दो यार। अच्छा भाई नहीं, आप लोगों की जिद के सामने मेरी क्या मजा रहे। ये लो, मैं तुम्हें लड़के का नंबर दे देता हूँ। क्या कर रहे हैं, अकेली कैसे जाएगी? मैं ले जाऊंगा ना। हाँ जी हाँ, बल्कि जितनी देर ये वहाँ रेस्टोरेंट में होगी मैं अपने दोस्तों के साथ मीना बाजार से हूँ। मीना बाजार? वहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ जाती हैं। नहीं भाई, आजकल के जमाने में लड़के लड़के दोनों ही जाते हैं। ओके। जी मैडम, तो कौन से रेस्टोरेंट में लेके जाऊँ आपको? रेस्टोरेंट कौन जा रहा है? क्या मतलब? मैंने तो मम्मी डैडी से झूठ बोला। झूठ बोला? हाँ, हम मीना बाजार जा रहे हैं। मीना बाजार? हाँ। I can't believe तुमने झूठ बोला। क्या? लगते नहीं हो ऐसे। Okay, मीना बाजार it is. Yes. तुम्हें क्या लगता है यार, दानियल एमी बकवास कर रहा था? मुझे तो यही लगता है। क्यों जिम्मी, तुम्हें क्या लगता है? ओ यार भाई, इस मुल्क में लड़का लड़की एक दूसरे से शादी नहीं करते, पूरा खानदान करता है। और ऊपर से ये बात है कि दानियाल का तो बहुत ही बड़ा खानदान है यार। हाँ ये तो है। ये है चूड़ी गली लिबर्टी। नाइस, वाओ कितनी खूबसूरत चूड़ी है ना। तो देखो लो ना ये रेड वाली। हाँ वैसे भी लड़कियों को तो चूड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती है, खासतौर पर उन्हें जिन्हें नया नया इश्क हुआ। फिर तो मैं जरूर लूंगी, because I'm in love. मैं पहनाता हूँ ना भाई साहब, 9 इस हाथ के लिए और 9 उस हाथ के लिए। 9 क्यों? तो मैं नहीं पता 9 क्यों। ओह ओके ओके आई नो। और हम भी वैसे बड़ी ऊंचे जात के लोग। जिमी वैसे क्या जात है आपकी? इंसान 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 भी एक जात होती है वैसे। हंसना तो नहीं लग रही इस बात पे? पता नहीं, अभी छोड़ो दानियाल को ढूंढो। अरे अरे तुम लोग यहाँ? ओ हाय दानियाल, What a surprise! ये मेरे मेहमान हैं कराची से। Hello. नैना। Hi. और ये लोग मेरे दोस्त हैं शेजी, टीटू और जिमी। Hello. Hi. वाओ नैना, तुमने तो बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। Thank you. दानियाल ने पहनाई है। ओह दानियाल ने पहनाई है। दानियाल तुम तो बड़ी अच्छी चूड़ियाँ पहना लेते हो। अभी तो चूड़ियाँ पहना रहा, बाद में ये जंजीरें पहनाएगी। अरे डोंट माइंड हिम, ये ऐसे ही बोलता रहता है उल्टा सीधा। और अभी कुछ देर में हम मेहंदी लगवाने जा रहे हैं ना। ओह मेहंदी, मेहंदी तो लड़कियां शादी वगैरह पे नहीं लगाती। फिर तो मैं अभी लगवाऊंगी। ओके सी यू देन, चलो दानिया बाय बाय। अभी ये तो से मेहंदी लगवाएगा, फिर ये तुझे कफन पहनाएगी। चल चल भाई, बस चल ओके चल। हेलो हेलो, सोए तो नहीं? नहीं, क्या हुआ, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? ये स्टूपिड मेहंदी। क्या हुआ मेहंदी को? सूख नहीं रही है। इसे सुखाने के लिए तो तुम्हें सुबह तक जागना पड़ेगा। मैं अकेली नहीं जाग रही, तुम भी मेरे साथ जाग रहे हो। जल्दी से बेसमेंट में आ जाओ और हाँ कॉफी बना के लाना। क्या क्या, मैं कॉफी बनाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, जल्दी आओ।
अच्छा मैडम, बना के लाता हूँ आपके लिए। सूख भी जाओ। लीजिए मैडम आपकी गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। लो पियोगी कैसे? तुम पिलाओ। अच्छा चलो थोड़ी ठंडी हो जाए फिर पिला दो। हाँ जी, क्या देख रहे हो? तुमने ये लॉकेट अभी तक पहना हुआ है? हाँ, क्यों? तुमने तो दिया था, अच्छा नहीं है? अच्छा है। अरे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि मैं तो एक साल के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। क्या? मैं तुम्हें जाने नहीं दे रही अमेरिका। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे करियर का सवाल है। ठीक है, फिर एक शर्त है, रोज ईमेल करोगे और एक घंटा स्काइप पे बातें करोगे। एक घंटा स्काइप पे? हाँ। तुम्हें नहीं पता वहाँ पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है? और तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी जिद्दी हूँ? ओके ओके, आराम से, तुम्हारी मेहंदी खराब हो जाएगी। ये नहीं खराब होती, तुम देखना सुबह ऐसा पक्का रंग चढ़ेगा कि सब देखकर दंग रह जाएंगे। कॉफी पिलाऊं? ये तो मैं जानता हूं कि दानियाल तुम्हारा बेटा नहीं है। फजूल बात है, मैं बिल्कुल भूल चुका हूं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने उसे पाला पोसा, बड़ा किया है, मेरी गोद में खेला है, वो मेरा ही बेटा है, बस। है इश्क की पहली मंजिल ला दिले मा, है दिले मा, है दिले मा, है दिले मा। इश्क की पहली मंजिल ला दिले मा, है दिले मा, है दिले मा, है दिले मा। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे भी चाय दे दे। अरे माशाल्लाह, दिखाओ जरा, कितनी प्यारी चूड़ियां, नहीं खरीदी है क्या? नहीं, दानियाल ने दिलवाई है, और मेहंदी भी। वाह। अच्छा वो उस लड़के से मिली तुम कल? नहीं मम्मी, मूड नहीं था। अच्छा वो लोग आज आ रहे तो तुम मिल लेना उनसे। मुझे किसी से नहीं मिलना, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किससे शादी करनी है। किससे? दानियाल से डैडी। हद हो गई रजी, आप भी वैसे कमाल करते हैं। भाई वहां इतने चुप करके बैठने का क्या दुख था, कुछ तो बोलते। भाई उस लड़के ने ऐसे डोरे डाले हमारी लड़की पे कि बस। तामुल से जरा सबर करो, अभी तक तो हमने उसके वालिदैन से बात भी नहीं की। ऐर मुमकिन है कि दानियाल के वालिदैन नैना से शादी करने पे आमादा ही ना। हद हो गई, शादी क्या मतलब है आपके? शादी कौन कर रहा है? आपको अच्छी तरह पता है कि हम सैयदों से बाहर शादी नहीं करते। हद हो गई, क्या बात कर रहे हैं आप? बस बहुत हो गई, टिकट कटाएं, वापस जाना है घर हमने। बुरा लगता है, वैसे लड़का दानियाल मुझे तो पसंद है। आपको अच्छा लगता है, शादी तो नैना ने करनी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको पता है वो सैयद ज्यादा नहीं है। वैसे
अगर सैयदजादा होता तो शायद मैं मान जाती। अच्छा खैर, तुम जरा तहम्मुल से काम लो। हाँ, ये वक्त ऐसा नहीं है कि नैना की जिद को पक्का किया जाए, समझे ना। तहम्मुल से उससे जाके बात करते हैं। अभी मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। क्या मतलब है तुम्हारा भाई? दानियाल से शादी का फैसला तुम कैसे कर सकती हो? वो हमारे खानदान का लड़का नहीं है। मुझे खानदानों से कोई दिलचस्पी नहीं है, है तो बस दानियाल से। समझाई ना इसे। बेटे, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जो तुम्हें भी पसंद हो और सैयद खानदान से भी हो। डैडी, मैं बता रही हूँ आपको, अगर मेरी शादी दानियाल से ना हुई ना तो मैं कुछ खा लूंगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं उससे मिले और चलिए शादी करने। हमारे खानदान का नाम डुबोगी क्या? कौन सा खानदान, कैसा खानदान? अरे पागल लड़की, इतने नसब वाला खानदान है। मैं नहीं जानती हसब नसब। हद हो गई, मेरी बात सुन लो कान खोल के। अब तक मैंने तुम्हारी सारी जिदें मानी, अच्छी बुरी, लेकिन ये जिद नहीं मानूंगी। अच्छा जरा आप लोग इत्मीनान से बैठे, मैं तरीन से बात करता हूँ। आखिर मेरा पुराना दोस्त है, वो इन बातों को मुझसे ज्यादा समझता है। प्लीज। ओ भाई, कहाँ है मेरी ट्रीट? अरे भाई, तेरा भाई शर्त जीत गया। अरे ऐसा वैसा मान गई? तू ये सोच, जो लड़की अपने खानदान से बाहर शादी करने के लिए तैयार ही नहीं, अपने माँ बाप के सामने दानियाल मलिक के लिए डट गई। अरे भाई, चीती है चीती। अरे यार, ये तो लड़की कम और वारदाती ज्यादा लग रही है। बहादुर, फैमिली के सामने डट जाना, चीती। यार तूने सही लड़की फसाई है। हाँ यार, बस इसी चीज का दुख हो रहा है यार। जब उसने कहा ना कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी ना यार, बस मुझे लग रहा है मैं उसको धोखा देके अच्छा नहीं किया। वो कितना हर्ट होगी जब उसको ये पता चलेगा वो मेरे लिए सिर्फ एक शर्त थी। अच्छा, तो ये सीन है। और बाय द वे, ये सब कुछ मैं तुम लोगों की वजह से कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं अभी बात नहीं कर सकता, फिर तुम्हें टेक्स्ट पे बताता हूँ सब कुछ, ठीक है? चलो हम टेक्स्ट के थ्रू बात करते हैं। मैं जरा इन दो छनकड़ों के साथ आया हूँ, फिर हम बात। अच्छा, बाद में बात करते हैं। यार सच्ची बात तो ये है कि मुझे भी तुम्हारा बेटा बहुत पसंद है। माशाल्लाह हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, तमीज़दार है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं नैना की शादी कल के बजाय आज उसके साथ कर दूं, दानियाल के साथ। यार तो मसला क्या है? यार मसला ये है कि मैं तो हसब नसब को भूल जाऊंगा, लेकिन लेकिन क्या यार, तुम मेरी बीवी को तो जानते हो। मेरा मतलब ये है कि वो अपने खानदान से बाहर नैना की शादी हरगिज नहीं होने देगी। अरे यार, तुम भाभी से बात करके तो देखो। कर लूंगा यार, मैं बात तो उससे कर लूंगा। फिर लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि ये तो मैं जानता हूं कि दानियाल तुम्हारा बेटा नहीं है। फजूल बात है, मैं बिल्कुल भूल चुका हूं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने उसे पाला पोसा, बड़ा किया है, मेरी गोद में खेला है, वो मेरा ही बेटा है। बस मेरे जहन में ये कभी बात आ ही नहीं सकती कि दानियाल मेरा बेटा नहीं, वो मेरा बेटा है, मेरा। मैं जानता हूं, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि उसके माँ बाप को तो कुछ पता नहीं, वो किस खानदान से ये भी कुछ पता नहीं। हम तुम्हें तो जानते हैं, लेकिन उसके माँ बाप को तो नहीं जानते। ऐसी फजूल बातें कर रहे हो रजी, तुम
मैं अच्छी तरह मालूम है, ये बात तो मेरे दिल में कभी आ ही नहीं सकती भाई, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तरीन मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन अगर ये बात किसी दिन मेरी बीवी को मालूम हो गई तो कयामत आ जाएगी। अगर आप इस फैमिली डिनर में मेरी मंगनी का ऐलान कर रहे हैं तो कौन सी मंगनी? डैडी आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने दानियल से शादी करने का फैसला कर लिया, और अगर आपने अनाउंस नहीं किया ना तो मैं कल वापस जा रही हूँ। अब देखो नैना, दानियल अमेरिका की यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए दाखिला ले चुका है, वो अपना करियर तो तबाह नहीं कर सकता ना। मैं कौन सा उसका करियर खराब कर रही हूँ, जैसे ही वो वहाँ पहुँचेगा मैं भी चली जाऊंगी। मैं तुम्हें समझाता हूँ बेटा, देखो बात यह है कि अभी तो तुम यहीं हो ना, जिंदगी के फैसले इतनी जल्दी नहीं होते, कुछ बात गुजरने दो, कोई बेहतर सूरत निकल आ रही है, सोचते हैं। अंकल मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया। देखो बेटे, आखिर दानियल को भी तो कुछ सोचने का मौका देना चाहिए, हो सकता है तुम्हें 2 साल इंतजार करना पड़े। डैडी आपको कोई शक है? ठीक है, मैं दानियल के रूम में जाती हूँ और उसको लेकर आती हूँ यहाँ पे, आप ही सारी बातें उसके सामने करिएगा, ठीक है? यार ये भाई, यार तुम भी अपनी बीवी को इसी तरह लाए थे। लीजिए जी चाय। आइए बेगम साहब, शुक्रिया। लो भाई रजी। अंकल दानियल तो अपने रूम में नहीं है। रूम में नहीं है जी? क्यों बेटा, उसे तो किसी ने जाते भी नहीं देखा। मैं देख कर आती। एक मिनट आंटी। डैडी मैंने आपसे कहा था ना, दानियल ने अपने एडमिशन लेटर्स फाड़ दिए। ठीक है। मिशेल फॉर्म उसने फाड़ दिया, क्या किया उसने? अरे कहाँ थे बेटा, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। दानियल बेटा कहाँ रह गए थे? दानियल दानियल बेटा तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। क्या हो गया इस? नैना तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
इश्क की पहली मंजिल ला दिले माँ है दिले माँ है दिले माँ है दिले माँ है इश्क की पहली मंजिल ला दिले माँ है दिले माँ है दिले माँ है दिले माँ जरा बताओ सबको, तुमने एडमिशन्स पेपर क्यों फाड़े? मैं अमेरिका नहीं जा रहा। देखा डैडी, मैंने कहा था ना आपको। ये क्या कह रहे हो, ये कैसे फैसला कर सकते हो तुम बेटा? तुम्हारी तो फीस भी जमा हो चुकी है। I know. बस मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रह लूंगी। मेरे साथ रह लोगी? अच्छा मजाक छोड़ो, बताओ साफ साफ सबको कि हमने शादी का फैसला कर लिया। आई एम सॉरी नैना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। जरूर आपने कुछ कहा होगा, मैं देखकर आती हूँ। कहाँ जाए नैना? What's wrong with you? किसी ने कुछ कहा है? जानती हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं कहा होगा कुछ। बड़ा नाज है ना उन्हें अपने खानदानी होने पर। नहीं नैना, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, कभी ना खत्म होने वाली। तुम्हारे इस तावीज़ ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, कपड़े रेडी करूंगी। नैना, 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 तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कैसे नहीं करोगे? मुझ में कोई कमी है क्या? कमी? नहीं नैना, तुम में कोई कमी नहीं। कमी तो मुझ में है। क्या कमी है तुम्हें? यही ना कि तुम सैयद नहीं हो। हाँ, मैं सैयद नहीं हूं और ना ही मैं एरीज हूं। क्या मतलब? मैंने तुमसे झूठ बोला था सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं। मतलब तुमने अपना स्टार साइन चेंज कर लिया। सोचो दानिया, इतनी मोहब्बत मुझे कौन करेगा? वैसे भी वो एक मजाक था। मजाक? हाँ, मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। ये तावीज जो तुमने मुझे पहनाया है ना, मेरे दिमाग से जात पात हसब नसब सब मिट गया। उतार दो ये तावीज अभी और इसी वक्त। इस तावीज को उतार दो नैना। क्यों उतार दूं? क्योंकि ये सब कुछ एक झूठ था नैना। ये तावीज एक मजाक है।
झूठ है ये। नैना तुम मेरी सिर्फ एक शर्त थी। शर्त? कैसी शर्त? ये तावीज, ये मजार, ये मेहंदी, ये चूड़ियां, ये सब कुछ एक खेल था जो मैंने उस शर्त को जीतने के लिए खेला था जो अपने दोस्तों के साथ लगाई थी। मैं वो शर्त तो जीत गया लेकिन बाकी सब कुछ हार गया। आई एम सॉरी नैना। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दानियाल को आपने तो नहीं कुछ कहा? मैंने उसे क्या कहना था, ये उनका आपस का मसला है। मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कल तक तो दोनों एक दूसरे से शादी करने पर तुले हुए थे और आज अचानक सब कुछ बदल गया। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। आप ऐसे कीजिए, दानियाल से अलहदगी में बात कीजिए। नहीं नहीं, इस वक्त तो परेशान सा लग रहा है, इस वक्त बात करना ठीक नहीं है। उसे कर लूंगा मैं। कैसी शक्ल बनाई हुई है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? है? मम्मी घर चलते हैं, मैं यहाँ थोड़ी देर रो रही ना मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है बेटी, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या है। दानियाल से कोई झगड़ा हुआ है? कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब झगड़े खत्म। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। भाई मैं तो पहले ही इस शादी के हक में नहीं थी। एक तो अजीब सा लड़का है, अजीब से माँ बाप है, घर भी बड़ा अजीब सा है, नमूने कहीं के, और सबसे बड़ा नमूना वो लड़का। ये बहुत ही अच्छा हुआ, हमारी फूल जैसी बच्ची के लिए तो हजारों रिश्ते पड़े हैं। चलो बस अब घर चले। मम्मी प्लीज अकेला छोड़ दे मुझे। अच्छा भाई, इश्क दे रोग दान किते ना दारू, इश्क दे रोग अबले अकला शकला वाले कीते। इश्क ने कमले चले ऐ दिले माँ, ऐ इश्क की पहली मंजिल ला दिले माँ, ऐ दिले माँ, ऐ दिले माँ, ऐ दिले माँ। मैंने आपकी और रजी अंकल की सारी बातें सुन ली और मैं ये जान चुका हूं कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। इतने साल आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। आपको मुझे बताना पड़ेगा, वरना वरना क्या? तुम मुझ पर एतमाद करो, यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानता।
पता लग जाएगा साईं, उसके लिए तुम्हें नवाब शाह आना होगा। किधर रह गए थे आप? क्यों, क्या हुआ? जब से तुमने ये तावीज पहना है, पता नहीं मेरी नैना कहाँ चली गई। पहली मंजिल ला दिले मां, है दिले मां, है दिले मां, है दिले मां।